अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट साबिया फारूक और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी स्पाइसी लोडेड राइस की रेसिपी। लोडेड राइस बनाने के लिए हमें चिकन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं आपके साथ चिकन फ्राइड की रेसिपी शेयर करूँगी। चिकन फ्राइड बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 kg चिकन बोनलेस, 2 चम्मच लेमन जूस, 1 अंडा और इसमें जो मसाले डालेंगे वो मैंने आपके लिए पहले से मिला के रखे हुए हैं। उनमें शामिल हैं 2 स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। तो आइए हम इसको मैरिनेशन के लिए इसमें तमाम मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इस पर अंडा तोड़ के डालेंगे, लेमन जूस एंड देन हमारे जो सारे मसाले थे वो हम इस पर ऐड कर लेंगे। और इस तरह हम अपनी चिकन को मैरिनेट करके इसको ऑलमोस्ट आपने 15 से 20 मिनट्स मैरिनेशन टाइम देना है। इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमने अपनी चिकन जो मैरिनेशन के लिए रखी थी उसको हमने फ्राई होने के लिए रखी है और ऑलमोस्ट हमारी चिकन जो है वो डन है। इसमें हल्का सा गोल्डन कलर और आएगा तो हम इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करने के बाद, ये हमने डीप फ्राई किया क्योंकि हमने इसको थोड़ा क्रिस्पी रखा है। क्रिस्पी करने के बाद हम इसको जो है वो निकालेंगे। फ्राइज बनाने के लिए हमने 2 से 3 आलू लिए हैं। मेरे आलू बड़े साइज़ के थे, आप चाहें तो 4 से 5 आलू भी ले सकते हैं। और साथ फ्राइंग के लिए हमें 1 कप ऑयल चाहिए होगा। अब हम अपने फ्राइज बनाने के लिए हमने पहले पैन जो है वो ऑयल डाला है, उसको अच्छी तरह हमने गर्म कर लिया। उसके बाद हमने इसमें बिल्कुल सरसों का तेल डाल दिया इसमें और अब हम उनको थोड़ा सा ब्राउन होने तक कुक करेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा सा क्रिस्पी करना चाह रही हूँ तो आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे, आप अगर नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा ज़्यादा फ्राई ना करें। लोडेड राइस बनाने के लिए हमें सॉस जो बनाना है उसके लिए जिन अशिया की ज़रूरत है उनमें शामिल है 1/2 कप मिल्क, 1 कप चेडर चीज़, 2 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 कप मायनीज, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर एंड 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। अब हम सॉस बनाने के लिए सबसे पहले इसमें जो मैंने आपको 1/2 कप मिल्क लिखवाया था उसमें से आधा लिखवा, साथ ही हम इसमें चीज़ भी ऐड कर देंगे। चीज़ ऐड करेंगे और साथ ही हमारे पास जो मस्टर्ड पेस्ट था वो भी ऐड। इसको हम हल्की फ्लेम पे रखेंगे ताकि जो है ये एकदम से जलने ना लगे। आपने देखा कि एकदम ही चीज़ डालने से ये इसी गाढ़ा हो गया है, तो इसीलिए हमने 1/2 मिल्क जो है वो बचा लिया था ताकि हम उसमें दोबारा ऐड करें जब हम उसकी कंसिस्टेंसी को हमें पतला करना होगा। जो हमारे पास स्पाइस थे वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम मायनीज जो 1 कप में लिखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारा बहुत मज़ेदार सा एक सॉस तैयार हो गया।
और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है ना, बहुत ज़्यादा हमारे पास। ये थोड़ा सा स्टोव टेस्ट करेंगे। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात का ख्याल रखिएगा आप लोग, इसकी जितनी भी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए आप उससे थोड़ा सा पतली कंसिस्टेंसी रखेंगे। इसकी वजह यह है कि जैसे ही आप इसको स्टोव से उतारेंगे ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो हमें जो है वो अभी इसमें मज़ीद जो दूध हमारा बच गया था वो हम ऐड करेंगे और हम स्टोव बिल्कुल हल्का कर देंगे। वक्त हमारे पास एक इस तरह की कंसिस्टेंसी का सॉस तैयार हो गया। अब हम स्टोव को बंद कर देंगे। अब हमारे क्रिस्पी फ्राइज तैयार हैं। अब हम इनको असेंबल करेंगे। सबसे पहले आपने एक बर्तन में अपने फ्राइज डाल लेने, उसके ऊपर हम जो हमने चिकन फ्राई करके रखी थी उसको स्प्रिंकल करेंगे। और इसके ऊपर जो हमारा सॉस था हम वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पे फ्राइड अनियन रखी हुई है, इसको भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और ये हमारे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं, इनको भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब जो बाकी चिकन रह गई है उसको हम साथ ही हम अपना सॉस भी सारा डाल देंगे। स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही हम ऑलिव्स भी स्प्रिंकल करेंगे। तो ये हमारी ज़बरदस्त फ्राइज, लोडेड फ्राइज की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको मेरे चैनल कुकिंग हब को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।